आपके साथ कविता राणा। लोकसभा चुनाव के नतीजे कांग्रेस के लिए बेहद निराशजनक साबित हुए हैं और इस बार पार्टी महज 50 सीटों पर ही सिमटती नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी सत्ता वाले कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बुरी तरह परास्त हुई है और इसके साथ ही कांग्रेस के 8 सीएम भी हार गए जो इस बार आम चुनाव में किस्मत आजमा रहे थे। सत्ता में वापस आने के इरादे के साथ चुनावी मैदान में उतरी कांग्रेस पार्टी ने शीला दीक्षित, दिग्विजय सिंह समेत अपने 8 पूर्व मुख्यमंत्रियों पर दांव खेला था। चुनाव नतीजों में सभी पूर्व सीएम हार की तरफ बढ़ रहे हैं और कई तो हार चुके हैं। तो आइए हम आपको बताते हैं कि कौन कौन है कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री जो अब हार चुके हैं। पहले नंबर पर आते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। जी हां, हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बार सोनीपत की सीट से चुनावी मैदान में उतरे थे जहां पर उनका सामना बीजेपी के रमेश चंद्र कौशिक से था और नतीजे तो अभी नहीं आए लेकिन हुड्डा काफी भारी मतों से पीछे चल रहे हैं और जब चुनाव की घोषणा होगी तो वो हार चुके होंगे। दूसरे नंबर पर आती हैं शीला दीक्षित। लगातार 15 सालों तक दिल्ली की मुख्यमंत्री रही शीला दीक्षित को कांग्रेस ने राजधानी की उत्तर पूर्वी दिल्ली संसदीय सीट से उम्मीदवार बनाया था और यहां पर उनका मुकाबला सिटिंग सांसद बीजेपी के मनोज तिवारी से है और मनोज तिवारी ने काफी भारी अंतर से शीला दीक्षित को हरा दिया है। तीसरे नंबर पर आते हैं दिग्विजय सिंह। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह लंबे वक्त के बाद चुनाव मैदान में उतरे और पार्टी की तरफ से उन्हें भोपाल लोकसभा सीट से कैंडिडेट बनाया गया। वो बीजेपी के प्रत्याशी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर से पूरी तरह हारे। चौथे नंबर पर आते हैं हरीश रावत। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को कांग्रेस ने नैनीताल उद्यम सिंह नगर संसदीय सीट से पार्टी प्रत्याशी बनाया। हालांकि वो लगभग 3 लाख वोट के अंतर से बीजेपी के अजय भट्ट से पीछे चल रहे हैं। इसका मतलब सिर्फ अनौपचारिकता बाकी है। अब पांचवें नंबर पर आते हैं मुकुल संगमा। मेघालय के पूर्व सीएम मुकुल संगमा को कांग्रेस ने तुरा लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा था। वो नेशनल पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट अगाता संगमा से काफी पीछे चल रहे हैं और जब घोषणा होगी तो वो भी हार चुके होंगे। छठे नंबर पर आते हैं सुशील शिंदे। कांग्रेस के दिग्गज नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील शिंदे इस बार सोलापुर सीट से चुनाव मैदान में उतरे थे। वो बीजेपी प्रत्याशी जय सिद्धेश्वर शिवाचार्य महास्वामी जी से पीछे चल रहे हैं और जब घोषणा होगी तो उनकी भी हार निश्चित है। सातवें नंबर पर आते हैं नबाम टुक्की। अरुणाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नबाम टुक्की कांग्रेस के टिकट पर अरुणाचल वेस्ट की सीट से चुनाव मैदान में थे और उनको बीजेपी के किरण रिजिजू ने शिकस्त दे दी है। और आठवें नंबर पर आते हैं अशोक चौहान। जी हां, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान इस बार कांग्रेस के टिकट पर नांदेड़ सीट से लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। हालांकि वो यहां पर बीजेपी प्रत्याशी प्रताप चिखलट से काफी वोट से पीछे चल रहे हैं और एक तरह से जब जीत हार की घोषणा होगी तो अशोक चौहान भी हार चुके होंगे। तो ये रहे वो 8 सीएम जो इस बार मोदी लहर में अपनी सीट तक नहीं बचा पाए।